यहाँ से टूट ही गया ये माउंटिंग ब्रैकेट। अब ये माउंटिंग ब्रैकेट अलग मंगाना पड़ेगा जिसपे इसके हेडलाइट असेंबली लगते हैं और उसके ऊपर इसका एक कवर लगता है। तो भाई बहुत काम है, इसको धीरे धीरे करके खोलते हैं। और व्हाट्स अप गाइस, दिस इज वेरियन मैन अल्फा, ये रही डुकाटी, ये रही आर1। तो आज के प्रोग्राम में ये तो आपने देखा था, पूरे हमने खोल के जोड़ दी थी। अब इसी को हम खोलेंगे, इसका राइट फेयरिंग जाएगा जम्मू, जम्मू में इसका एक पार्ट बनना है। यस, इसका विंगलेट बन रहा है एंड भाई बहुत ही अमेजिंग लुक देने वाला है। एक बार आप फाइनल ये लुक देख लो आगे से। अभी हम इसकी फेयरिंग खोलते जल्दी से और इसको पैक करके जम्मू भेजते भाई के पास। R1 में डायरेक्टली क्लिप ऑन नट आते हैं, जैसे आप देख रहे हो कि सिंगल रोटेशन पे ही ये लॉक हो जाते हैं, लॉक नट होते हैं और एल की के साथ ही आते हैं। तो अभी यहाँ पे एक ये खोलना है, ये खोलना है, वो नीचे के दो, और उसके बाद ये वाली फेयरिंग निकल जाएगी एंड इसका अंदर का प्लग इन जो है वो आउट करना है और उसके बाद ये वाला पार्ट आउट हो जाएगा। तो लेट्स डू इट। तो गाइस ये साइड खोल दी, अब दूसरी साइड खोलेंगे। ये दोनों पार्ट्स को हम जम्मू भेज रहे हैं, इसके ऊपर ही विंगलेट बन के आएंगे एंड उसके बाद फिर वो विंगलेट्स इसमें लगेंगे। तो आप देखो भाई क्या ज़बरदस्त सीन होने वाला। तो ये साइड खोल दिया, अभी दूसरी साइड खोल रहे, दोनों ही भेज देते हैं जब भेजना ही है। तो ये आप देख रहे हो, ये नीचे ये वाले नट हैं जो खोलने होते हैं, ये ऊपर का भी है, ये तो ऐसी उल्टा लॉक हो रखा है। तो ये क्लिप से, जैसे अगर आपको दिख रहा है, ये क्लिप से इसके सेंटर में डालो और ये निकल गया। अब ये वाला खोल के दिखाते हैं, दिख रहा है, निकल गया। तो अभी ये वाले साइड के सारे नट खोलते हैं और इसको भी निकालते हैं। नीचे की तरफ भी इसके टच पे नट्स होते हैं, जिसमें सेंटर में R1 में नीचे की साइड पे जितने भी बॉडी को कनेक्ट करते हो ये नट होते हैं, ये इसमें फिट होते हैं। और जब ये ऐसे क्लिक होता है तो ये साउंड ऊपर जाके खुल जाता है, अंदर की तरफ ये एक्सपैंड हो गया तो इससे लॉक हो जाता है। तो अभी इस साइड के खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई ये वाला सब रैप रूप सब निकल जाएगा अभी। देखो जैसे मैंने आपको बताया था, सिंगल रोटेशन पे कनेक्ट भी होता है और निकलता भी है। तो जैसे आप देख सकते हो साइड के सारे नट खोल दिए हैं, अब नीचे की तरफ जो बॉडी पे कनेक्ट होते हैं वो खोलेंगे। तो गाइस ये साइड भी खुल गई है, दोनों साइड निकाल दिए। अब देखते हैं और क्या क्या पार्ट कार्बन डिप करना है और किस किस में चेंजेस करना है, वो सबको खोलते हैं और फिर उसको भी साथ में पैक करते हैं। ऐसी लग रही भाई। एंड इसका स्टार्टर मोटर का इशू आ रहा था, वो भी हमने रिजॉल्व कर दिया। अब हम एक जुगाड़ करेंगे जिससे स्टार्टर मोटर का भी इशू किल हो जाए। ये ओरिजिनल कार्बन फाइबर का कवर है तो इसको तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये पैनल खोलने के लिए पूरा ये निकालना पड़ेगा, फिर जाके ये पोर्शन पूरा कार्बन फाइबर होगा। ये देखते हैं, बाद की बात है, पहले मैं सोच रहा हूँ ये वाला पोर्शन करा देते हैं। तो लेट्स सी गाइस। तो गाइस ये वाले नट यहाँ से निकाले हैं, इसका कवर हमने निकाल के वहाँ रखा है डिसाइड करने के लिए कि इसको रैप करना है या नहीं करना है। बट ये नट मैं वापस यहीं लगा दूंगा, तो पिछली बार डुकाटी खोलते हुए गलती करी, होपफुली वो गलती दोबारा नहीं होगी। सो गाइस जैसे आपको पता है इसका सामान जम्मू जा रखा है हाइड्रो डिप होने के लिए और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो हमने सोचा कुछ जो पार्ट्स रह गए, जैसे लोअर बेली पैनल है, आगे वाला फ्रंट मडगार्ड है, ये भी कराते हैं, बहुत ही अमेजिंग लुक बनाते हैं इसको। और आपको तो पता ही इसके विंगलेट का काम चल रहा है। तो भाई अभी इसको खोलते हैं जल्दी से ये सारे पार्ट्स भी और इनको भी भेजते हैं जम्मू। तो गाइस ये इसका लोअर पैनल जहाँ आमा लिखा है और ये इसकी हालत है, ये सारे क्लिप क्लिप लगे हुए हैं। अब इसको भी निकाल दिया, अब मडगार्ड निकालते हैं। भाई ये जो फेयरिंग का पार्ट है ये पीछे जाएगा इस सपोर्ट के, जो ब्रेक का सपोर्ट आ रहा है, ब्रेक लाइन इसके पीछे कनेक्ट होता है। ये नट हमने लूज़ कर दिया यहाँ से। ये दो नट खोले दोनों साइड के, इस साइड के, और उसके बाद ये भी खुल जाएगा। तो ये ऐसे करके टर्न हो गया, ये ऐसे टर्न हो गया आगे था, और ये ऐसे टर्न हो गया, और इसके पीछे ये एक ये नट लगता है और ये इसके पीछे लगता है। इसको यहीं लगा देंगे निकाल के। तो भाई जैसा आप देख सकते हो इसको हमने खोल लिया, ये ऐसा दिखता है, यहाँ से उल्टा था, मतलब ऐसा था, और इसको पूरे जहाँ जहाँ पे नट थे वहाँ से खोल लिया। अब निकाल लिया, इसको भी भेजेंगे।
लोअर पैनल खोल लिए वो भी भेजेंगे। अब मैं बस ये सोच रहा हूँ कि फ्रंट वाला खोलें या नहीं खोलें। तो गाइस ये सामान है जो हम भेज रहे हैं, इसको जल्दी से पैक करते हैं और फिर भेजते हैं जम्मू, और फिर देखो R1 में क्या क्या मॉडिफिकेशन आती है। देखो कौन आया है, कौन आया है यहाँ पे, पहचानो पहचानो। हेलो, क्या हाल है मेरे भाई? बढ़िया। कहाँ की ट्रिप है अभी? आज लावा, लावा से फिर दार्जिलिंग। वाह वाह वाह, लावा और दार्जिलिंग की ट्रिप कर रहे हैं। और ये रही टाइगर, ये भाई की एक्सपल्स मॉडेड, ये जो है ना ये आउटशाइन कर रही है भाई, ये ज़्यादा दिख रही है देख ट्रिप में। वो खड़ी है अपनी जिसका टायर फट गया था, ये मालिक जिनकी पूरी रोड है ये पूरा, हम लोग खड़े भी इसी के जगह में रेंट लेता है खड़े होने का यहाँ पे। और भाई और भी आ रखे हैं, नीको भाई तैयार हो रहे हैं, क्या हाल है भाई? एकदम ठीक ठाक, कैसे हो? एकदम बढ़िया। हैप्पी जर्नी भाई, बढ़िया से जाना। हाँ ठीक है, थैंक यू। ले लो घर पे अगर लेना है। हैप्पी जर्नी। करना ही नहीं है ये लेते यार, एक ये होनी चाहिए। तो हम वापस आ गए अपनी छोटी सी यहाँ वाली दुनिया में, है ना। अभी इसको और एक्सपेंड करेंगे, प्लान तो है, अभी देखते क्या क्या होता है आगे। ना आते डुकाटी खोलते हैं, इसको जल्दी से चार्जिंग पे लगाते हैं, बिकॉज मेरा मन नहीं कर रहा ऐसे काम करने का। ये देखो लाल बत्ती शुरू हो गई है, तो मतलब चार्जिंग शुरू हो गई है। और यहाँ पे हमने बैटरी को रिपेयर मोड में डाला है, तो कितने टाइम से बनती है 25% बैटरी अपने आप ठीक हो जाएगी, उसके बाद इसको भी एक बार ऑन करेंगे। और इसकी बैटरी भी चेंज करनी है, एक साइड की हमने टाइम पास करने लगाई थी, क्रैंक की नई बैटरी आ रखी है वो पड़ी, उसको लगाएंगे इसमें तब तक। तो गाइस इस वाले ब्लॉग में क्या होगा, आयरन का ये वाला पोर्शन निकाल रहे हैं जैसे आपको देख सकते हैं। तो इसको निकालने के क्या क्या, हमें यहाँ पे दो स्क्रूज हैं, एक ये स्क्रू अगर आपको दिख रहा है, एक और ये स्क्रू है। तो पहले इसको जो हमने चार्जिंग पे बैटरी लगाई थी उसको आउट करते हैं। अब चाबी से सीट खोलते हैं, भाई अब क्या करूँ, काम करते करते ऐसे एल लगे ना। ये इसका मेन माउंटिंग ब्रैकेट होता है, ये जिस पे मिरर माउंट होते हैं, ये देख रहे हो टूट गया है, ये यहाँ से टूट ही गया ये माउंटिंग ब्रैकेट। अब ये माउंटिंग ब्रैकेट अलग मंगाना पड़ेगा जिस पे इसकी हेडलाइट असेंबली लगती है और उसके ऊपर इसका कवर लगता है। तो भाई बहुत काम है, इसको धीरे धीरे करके खोलते हैं और फिर ये भी ऑर्डर करना पड़ेगा, मोटा खर्चा है। देखो टूट कैसे गया यहाँ से, आपको दिख रहा है इसके ऊपर का बिल्कुल टूट ही गया ये। और ऐसा भी नहीं है कि फाइबर पार्ट है, लोहा है, देखो ये टूट गया यहाँ से, ब्रैकेट ही टूट गया यहाँ का। मैंने कहा भाई अलग ही जोर लगा दिया, या तो पता नहीं क्या हुआ है। अब इसको आगे का फ्रंट हेडलाइट वगैरह सारा खोलते हैं और फिर आगे की कार्रवाई दिखाते हैं आपको। तो भाई इसका ये फ्रंट वाला पोर्शन निकालने के लिए ये जो मेन माउंटिंग ब्रैकेट है इसके दो नट हैं, एक ये वाला नट है एक ये, इन दोनों को खोलना पड़ेगा। फिर माउंटिंग ब्रैकेट के साथ ये पूरा सिस्टम बाहर आएगा, और ये जब सारा बाहर आ जाएगा उसके बाद ही हम ये अलग अलग करके इसको आउट कर सकते हैं, डायरेक्टली आउट नहीं होता। तो अब इसको खोलते हैं। ये वाले दो कनेक्टर खोले, ये इसके साथ खोला जो आगे फ्रंट लाइट में जुड़ता है, और एक ये खोला जो यहाँ था इस पॉइंट में, इसके नीचे मतलब इधर था ये वाला, इसको यहाँ से इस साइड पर भी खोल दिया, काला वाला काले में, ये वाला ये, और ये वाला पहले का खुला था, ये लाइट का है। तो ये इस तरफ से भी सारा सिस्टम आउट हो गया, ये ऐसे ही रहता है। अब इसको मेन को खोलते हैं और इसको निकाल लेते हैं। तो ये गाइस निकल गया है, ये फ्रंट ब्रैकेट टूट गया, ये हमने नया ऑर्डर कर दिया, और ये फ्रंट हेडलाइट ऑन है। तो ये हमने इसका फ्रंट वाला खोल लिया, ये दो नट है जहाँ पे कनेक्टेड होता है
नहीं ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई आगे से कुछ ऐसी दिखती है, ये ऐसी दिख रही है, वो वैसी दिख रही है, पूरी खोल दी। अब इसके बाद काम होगा इसमें, ये टैंक वाला खोलेंगे ताकि टैंक वाला ऊपर करके इसके नीचे जो स्टार्टर मोटर है उसको निकालना, उसको काम कराना। और फ्रंट चला जाएगा, साइड पैनल्स पहले जम्मू में, अभी कुछ दिन इसको ऐसे ही चलाते हैं, मज़ा आ जाएगा। दो बड़े नट ऊपर रखते हैं, एक नट इसमें है, ये नोज के बीच में, ये नोज के बीच में आप देख पा रहे हो, ये अंदर जहाँ पे स्क्रू ड्राइवर है, एक नट ये है, ये और खोलना है, उसके बाद ये फ्रंट असेंबली निकल जाएगी। भाई ये तो बहुत ही मुश्किल काम लग रहा। तो गाइस टैंक का ये आगे वाला पार्ट भी खोलना है, जिसके लिए यहाँ पे एक पट्टी थी जो हमने खोल दी, अभी ये खोलना है, उस तरफ का सिमिलर खोलना है, तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये निकल मैं टॉर्च मारूंगा एक मिनट, ये निकल गया फ्रंट वाला भी, एक इसमें नीचे नट लगता है, एक नट और लगता है, उसको हम इसी में ऊपर ऐसे अटका देते हैं, एक निकाल देते हैं, ये भी पकड़, एक नट जो गिरा वो भी खोल लेते हैं। तो गाइस ये निकल गया इसके ऊपर का भी, अब कल खोलेंगे इसको और इसके अंदर से निकालेंगे स्टेटर मोटर, अभी के लिए इतना सब निकाल दिया बस। तो इसमें जो नट डाले हैं सारे नट टैंक वाले हैं, यहाँ से लिया गया, यहाँ से लिया गया ऊपर का, और इसमें जो दो नट हैं वो इसी में लगा के रखे हैं, इसको भी निकाल के इसमें डाल देते हैं। और फिर अभी ऐसा लग रहा है, आगे से आप देखो फ्रंट वाला भी पैड खोल दिया, कल इसको खोलेंगे और फिर आगे की कार्रवाई आगे दिखाएंगे आपको। तो भाई ऐसी लग रही है आज कुछ।